लेकिन मुझे ये भी तो देखना है ना कि बच्चे हर एग्जाम में सिलेक्शन ले, ना केवल एसएससी में। एसएससी का एग्जाम मान लो किसी कारणवश एक डेट पे आपका खराब हो गया, भगवान ऐसा ना करे आप उस दिन बीमार थे या कोई कहानी हो गई और आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया जितनी आपने तैयारी की थी, तब अगला एग्जाम तो आपका एक साल बाद आएगा। तो एक दो चार कुल मिला के 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे पूरे बैच में। तो 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा कि एक एग्जाम खराब हो गया तो उसके 2 हफ्ते बाद फिर से दूसरा कोई एग्जाम आ रहा होगा और उसमें ये चीज आ रही होंगी और वो आपको आती होंगी और आप तुरंत सिलेक्शन ले जाएंगे, कभी भी जीवन में डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार भाई, जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो ना उस चीज में सिलेक्शन लेके छोड़ दिया है। ये मैं घमंड नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी बता रहा हूं ये चीजें कि जिस रास्ते पे तुम जाने की सोच रहे हो उस रास्ते पे मैं जा चुका हूं और जाके उल्टा भी आ चुका हूं, इसलिए मुझे सब पता है अपने अनुभव से कि क्या चीजें पढ़ानी क्या नहीं पढ़ानी। मैं जानता हूं कि एसएससी वाला बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा होगा इसलिए वो कमेंट भी करे जा रहे हैं, परेशान ना हो, मैं हूं जिंदा। आने वाली जनरेशन ये होगी और उसका कारण ये मोबाइल है। साला क्रिकेट खेलना हो तो मोबाइल में, रम्मी मम्मी खेलते रहेंगे तो मोबाइल में, बंदूक चलानी है तो मोबाइल में। असलियत में तो बंदूक चलती नहीं, असलियत में भाग दौड़ पाते ही नहीं है, असलियत में कुछ कर ही नहीं पाते हैं, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरे पिताजी की आज के समय में आंखें भी ठीक है कान भी ठीक है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस हिंदुस्तान की 10 साल के बाद 80% जनसंख्या ऐसी होगी जो अंधी होगी, जिनके सालों के इतने मोटे मोटे गिलास चढ़ रहे होंगे देख नहीं पाएंगे। क्यों? मैक्सिमम टाइम उनका मोबाइल में जाता है, मैक्सिमम टाइम उनका मोबाइल में जाता है, अधिकतर समय उनका मोबाइल में जाता है। सुबह अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, सुबह अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, लेकिन उठते ही मोबाइल उठाते हैं और फिर व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, फेसबुक देखने लग जाते हैं, चैटिंग करते हैं, हाय हेलो, अरे हरामियों क्या रखा है गुड मॉर्निंग में, क्यों साले अपना टाइम खराब कर रहे हो।